देखो कैलोरी लिखो, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखो, अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही हो, ठीक है, अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही हो तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे अभी वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इधर भी है 10 मीटर पर सेकेंड, मेरे को ये बताओ क्या इसका कोई एक्सेलरेशन होगा क्या पार्टिकल का? होगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, स्पीड भी लेकिन चेंज ना हो, तो एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन इधर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड बाद में वेलोसिटी क्या होगी? पहले होगी, डायरेक्शन में कुछ चेंज आएगा? नहीं, अभी एक्सीलरेशन सिर्फ क्या चेंज कर रहा है? वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताओ वेलोसिटी में स्पीड में कोई चेंज आएगा? डायरेक्शन में काफी दूर देर तक तो नहीं आएगा, करीब 5 सेकंड तक तो नहीं आएगा, आए सिर्फ इस इंस्टेंट की बात करो। इट मींस वेलोसिटी के पैरेलल जब भी एक्सीलरेशन हो स्पीड को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो कौन सा कंपोनेंट होगा एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन चेंज करेगा? परपेंडिकुलर, आए जैसे इस तरह है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सीलरेशन की तरह, अगले इंस्टेंट पे इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी क्या? हॉरिजॉन्टल नहीं होती, प्रोजेक्टाइल में भी तो किया है तुमने, एक्सीलरेशन नीचे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का चेंज होती है, तो ये चीज क्या करेगी? डायरेक्शन चेंज करेगी, तो इसको किधर घुमाएगी? फिर अगर एक्सीलरेशन चल गया तो इधर घुमाएगी, हाँ है ना? तो इसका मतलब एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? एक तो वेलोसिटी के अलावा एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अगर मान लो आपके पास वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन इधर है, तो इस एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये बनेगा ए कॉस थीटा या ए पैरेलल को तो वेलोसिटी के, एक ये बनेगा जो क्या होगा ए के परपेंडिकुलर बनेगा, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या काम करता है ये वाला एक्सीलरेशन? चेंजेस द डायरेक्शन, चेंजेस द डायरेक्शन। और ये क्या करता है? स्पीड को चेंज करता है, चेंजेस द स्पीड। कोई प्रॉब्लम इस बात में? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? अच्छी तरह से बात समझ आ, ठीक है। अब सुनो, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो अगर मान लो सर्कुलर मोशन में घूमते टाइम इसकी स्पीड चेंज होती जा रही है, ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। मान लो कि स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट की स्पीड है 11 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन का कोई ना कोई कंपोनेंट इसके अलावा भी होगा, तभी स्पीड चेंज होती है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, हाँ है ना? और क्योंकि एक सर्कल में घूम भी रहा है, तो इसका कोई ना कोई कंपोनेंट इसके अलावा भी होगा। अब तुम्हें पता अगर यू वेलोसिटी और इधर है एक्सीलरेशन होगा, तो जी यू कर्वेचर आएगा, यू वेलोसिटी है एक्सीलरेशन इधर है तो कर्वेचर यू आएगा, तो इस केस में कर्वेचर है तो एक्सीलरेशन इधर होना चाहिए, हाँ है ना? तो इसमें इस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन, आया बात समझ में आई है? क्योंकि रेडियस के अलावा इस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि टेंजेंट के अलावा लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? अब मेरे को ये बताओ, एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को घूम रहा है, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, चेंज इन स्पीड,
यहाँ पे भी फाइव, यहाँ पे भी फाइव, लॉजिक समझ में आ रहा है? यस ये बताओ इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा क्या? तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इस केस में इसमें कोई एक्सेलरेशन है क्या? वही तो है, कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक्सट्रीमली सिंपल है। तो मैं एक बार क्या कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तुम्हें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। और सेंट्रीपिटल, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना सीखना तो क्या करना पड़ेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को जीरो कर दो, फिर जो भी एक्सेलरेशन आता है वो कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल। हाँ है ना? तो मैं वहां वो सिखा रहा हूँ आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। क्या बात समझ में आ गई? इसको तो मिटाई दो, ये लिखना है, ये लिख दो, ये वाली बात लिख दो। इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, आगे की बात नहीं कर रहा, इस इंस्टेंट की। चलो एक सर्कुलर पाथ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी v है, v नीचे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है v5। तो प्रॉब्लम डायरेक्शन चेंज है लेकिन स्पीड सेम है। कई बार से नहीं, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन स्पीड क्या है? सेम है। तो इस टाइम में इसमें जो एक्सेलरेशन होगा सिर्फ कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। कोई मैसेज कैसे नहीं भेज रहा? अच्छा आ रहे हैं, ठीक है, चबलर आ रहा है। अभी क्लियर आ रहा है? अभी क्लियर आ रहा है? ठीक है, देखो ये ऐसा आ गया। अब देखो ये इसकी रेडियस आर, रेडियस के आर,
चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया। ध्यान से देखो v फाइनल इधर है, v इनिशियल इधर है, तो माइनस v इनिशियल इधर हो जाएगा, इधर माइनस v इनिशियल इधर हो गया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा आया ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा, ये क्या आएगा डेल्टा भी होगा। अरे यार दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेललोग्राम का वेक्टर लगा दो ना यार, तो ये चेंज इन वेलोसिटी है ना, किसका v फाइनल माइनस v इनिशियल का रिजल्टेंट। अभी भी नहीं बस है आगे ना बात समझ सबको। अगर ये बताओ अगर ये एंगल है डेल्टा थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? सिंपल फंडा समझ लो, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो इसके और इसके बीच का एंगल क्या है? इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है? तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल क्या है? हमें बता दो ऐसा क्या हो रहा है? ये भी इधर है, ये भी इधर है, दोनों को पीछे एक्सटेंड कर दो, रेडियस ऊपर पैंडिल कर दो, आया ना साइड की कोऑर्डिनेटर बन गया। अगर ये एंगल डेल्टा थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस डेल्टा थीटा, तो ये वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के बीच का ये एंगल क्या होगा? डेल्टा थीटा हो गया ना, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से आया ना, क्या हो जाएगा? लॉजिक आ गया ना समझे? क्लियर नहीं आ रहा? अभी भी ब्लर आ रहा है क्या?